हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो डियर लर्नर्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीजन्स ऑफ इंडिया. ओके, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉनसून ऑफ इंडिया को डिटेल में कवर किया था. उसमें मॉनसून ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड ओरिजिन ऑफ मॉनसून इन इंडिया. ठीक है, इवन इंटायर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया को कवर किया था. ठीक है, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि हमारी इंडिया में ये जो मॉनसूनल विंड्स हैं ये कैसे इंटर करती हैं. ठीक, मतलब ऐसा क्या होता है कि हमारे इंडिया में ये नीचे सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स हैं वो सारी की सारी इक्वेटर को पास करके मॉडिफाई होके एज अ मॉनसूनल विंड्स की फॉर्म में हमारे इंडिया में एंटर करती है और थ्रू आउट द सीजन जो है हमारे इंडिया में रेनफॉल करती हैं. फिर उसके बाद यही विंड्स जो हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स उसी डायरेक्शन में वापस रिवर्स होके हमारे इंडियन मेनलैंड से उतर जाती है इंडियन ओशन की ओर. ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर की थी विद रीजंस. ठीक है, आज जो हम कवर करेंगे दैट इज़ द सीजन्स ऑफ इंडिया. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीजन्स ऑफ इंडिया. सीजन्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी इंडिया जो है, ठीक है, इसमें डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट देखा गया, मीन्स क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो वेरी करती हैं वन रीजन टू अनदर रीजन. जितनी भी ऑल वेदर कंडीशंस होगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी, उसमें हमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं. तो उसी के बेसिस पे, ठीक है, क्लाइमेटिकली जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के मतलब वन ईयर को फोर सीजन्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, वही फोर सीजन्स जो हैं वो वन बाई वन हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज कोल्ड वेदर सीजन. ठीक, कोल्ड वेदर सीजन जो है हमारा वो दिसंबर टू फेब तक है. ठीक, मीन्स दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है और फेब में उसका एंड हो रहा है. कोल्ड वेदर सीजन मीन्स विंटर सीजन. ओके, देन नेक्स्ट इज हॉट वेदर सीजन. हॉट वेदर सीजन हमारा हो गया समर सीजन. ठीक, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है मार्च टू मई, मतलब मार्च से मई तक हमारे साउथ इंडिया में रहता है ये सीजन, समर सीजन, और मार्च से लेके अप टू जून तक हमारे नॉर्थ इंडिया में रहता है. अब यहाँ पे मतलब क्यों डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में समर सीज़न थोड़ा मतलब ज़्यादा, मतलब मार्च टू जून तक है, तो साउथ इंडिया में मार्च टू मई तक है, ऐसा क्या रीज़न है, ये मैं आपको यहीं पे कवर करवाती हूँ. देखिए, जैसे ये हमारा साउथ इंडिया है, ठीक, और इधर आप मान लो कि ये हमारी हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं. ठीक है, मीन्स हमारा नॉर्दर्न इंडिया. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है कि ये जो हमारा रीजन है, कौन सा, साउथ इंडिया का ये जो रीजन है ये हमारे इक्वेटर के पास लाई कर रहा है. हमारे यहाँ पे 8 degrees 7 minutes नॉर्थ लेटिट्यूड पे इंडिया का मेन लैंड का सदर मोस्ट पॉइंट दैट इज़ कन्याकुमारी लाई करता है. ठीक, तो इसी के नीचे आप देखिए इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास का ये जो रीजन है दैट इज़ ट्रॉपिकल रीजन. ठीक, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है. तो अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की हिमालयन माउंटेन रेंजेस की बात करें तो ये हमारे इक्वेटर से काफ़ी दूर हैं. ठीक, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेट रीजन लाई करता है. ठीक है, तो टेम्परेट रीजन क्या हो गया, जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी. तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में समर्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, मतलब समर्स में क्या होता है, मतलब गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है, मीन्स टेम्परेचर जो इस लैंडमार्क का है वो ज़्यादा रहता है. अब समझना ये है यहाँ पे कि ये जो हमारा मार्च टू मई तक साउथ इंडिया में समर सीज़न क्यों रहता है और मार्च टू जून तक कैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में रहता है. अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जब यही ट्रेड विंड्स नीचे से मॉडिफाई होके इक्वेटर को पास करके इंडियन ओशन से मॉइस्चर को उठा के इंटर कर जाती हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की जो भी मेनलैंड है, ठीक है, उसमें हमारा इंडिया भी है. तो इंडिया में ये जब विंड्स इंटर करती है तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में करती हैं. ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में. ओके, फर्स्ट वीक ऑफ जून में जब ये इंटर करती है तो मीन्स जून में यहाँ पर मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जून में यहाँ पर मानसून सीजन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून सीज़न. तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, जैसे सपोज करते ये था, ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन रेंज आके ऊपर, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में ये विंड्स जो हैं ये 15 जुलाई तक पहुँचती हैं.
मीन्स मिड जुलाई तक ये हमारे नॉर्थ इंडिया तक ये कौन सी साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स पहुंचती हैं। तो यहाँ पे जब तक पहुंचती तब तक वहाँ पे समर सीज़न ही रहता है, तभी मार्च टू जून तक यहाँ पे समर सीज़न रहता है और जुलाई में यहाँ पे मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे साउथ इंडिया में मॉनसून सीज़न जून से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है दैट इज़ एडवांसिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीज़न। ये वो सीज़न है जब हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून इंटर कर जाती हैं, ठीक है। इनको भी हम डिटेल में देखेंगे, आपको यहाँ पे याद भी ऐसे रखना है, ठीक है। तो ये हमारे जून टू सितंबर तक रहता है ये सीज़न, ठीक। देन रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीज़न। रिट्रीटिंग का मतलब ये हो गया कि जब साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हमारे इंडिया में एंटर करती हैं जून टू सितंबर तक यहाँ पे रेनफॉल करती रहती हैं इंटायर इंडिया में, ठीक है। उसके बाद ये अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं, ठीक। वो जो रिवर्स करती हैं दैट इज़ रिट्रीटिंग, ठीक है। वापस मतलब जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में नीचे उतर जाएंगे इंडियन ओशन में। तो वो अक्टूबर टू नवंबर तक होता है, मीन्स अक्टूबर से नवंबर के बीच जो विंड्स आई थी इंडिया में वो सारी की सारी नीचे की ओर उतर जाएंगी, ठीक। अब यही कॉन्सेप्ट हम डिटेल में आगे समझते हैं वन बाई वन, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या आता है, कोल्ड वेदर सीज़न, ठीक। कोल्ड वेदर सीज़न की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है लेट नवंबर नदर्न इंडिया में, ठीक है। नदर्न इंडिया में लेट नवंबर तक ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक। जनवरी जो है ये कोल्डेस्ट मंथ है हमारे पूरे जो इंटायर कंट्री है, मतलब उसमें मोस्टली हर रीजन में जन जो है वो कोल्डेस्ट मंथ माना जाता है, ठीक। अब हमारे इंडिया में विंटर सीज़न कैसे आता है, उसके पीछे रीज़न है कि जो सनशाइन है मतलब जो सन की रेज है, ठीक, वो वर्टिकली जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, कौन से लैटिट्यूड पे, 23.5 साउथ लैटिट्यूड पे, ठीक है, जो लाई करता है कौन सा लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यहाँ पे सन की रेज जो है वो वर्टिकल पड़ती हैं एक टाइम पे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, ये मैंने आपको डिटेल में ये चीज़ें बताई हुई हैं। सपोज करते ये हमारे पास क्या है, इंटायर हम ग्लोब को प्रेजेंट कर रहे हैं, 0 डिग्री जो है हमारा इक्वेटर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, 23.5 जो है ये हमारा नॉर्थ लेटीट्यूड, 23.5 साउथ लेटीट्यूड, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यू नो हमारी अर्थ इस तरह से टिल्ट है ना, तो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। रेवोल्यूशन के दौरान जो है, जो सितंबर पे क्या होता है कि हमारे सन के सामने जो होता है वो इक्वेटर होता है, बट दिसंबर में जब हमारी अर्थ रेवोल्यूशन के दौरान दिसंबर के मंथ में जब पहुँचती है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सन के सामने आ जाता है, ठीक है। तो सन की वर्टिकल रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होती है और यहाँ पे स्लांटिंग रेज पड़ रही होती है, तो मीन्स उस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आता है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर आता है। तो कहने का मतलब कि सन की जो रेज हैं मतलब वो शिफ्ट करती हैं वर्टिकली कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर का 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड है। उस वजह से जब वहाँ पे शिफ्ट करती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाएगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ जाएगा, ओके। तो मीन डेली टेम्परेचर जो रहता है हमारी कंट्री का, ठीक है, वो 21 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। नाइट टेम्परेचर जो होता है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फॉल कर जाता है, मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है नाइट टेम्परेचर, ठीक। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करता है एज वी मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये चीज़ आप समझेंगे अच्छे से, ठीक। इसमें ये है कि जब हम यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक, जैसे ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया का माउंटेन रेंज आ गया, ठीक, नॉर्दर्न इंडिया से हम मूव करेंगे सदर्न इंडिया की ओर, ठीक है, हम नॉर्थ टू साउथ मूव करेंगे, तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि टेम्परेचर जो है नॉर्थ टू साउथ जब हम आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, मतलब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हम देखेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन जैसे ही हम सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में मूव करेंगे वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज क्यों करता है, अभी मैंने आपको बताया ये जो रीजन है ये सारा का सारा कहाँ पे है, ये हमारा सारा का सारा इक्वेटर के पास लाई करता है, तभी यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि लो प्रेशर डेवलप होता है कहाँ पे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, सॉरी यहाँ पे लो प्रेशर नहीं आएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर आएगा, ठीक है, ये आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। जब विंटर सीजन आता है, ठीक है, विंटर सीजन में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया मीन्स हमारा इंडिया का जो मेन लैंड है,
वहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है। हाई प्रेशर कहाँ पे डेवलप होगा? वो रीजन जहाँ पे टेम्परेचर जो है लो होगा वहाँ पे प्रेशर जो होगा वो हाई होगा, और वो रीजन जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे प्रेशर जो है वो लो होगा। ठीक, अब टेम्परेचर हाई विंटर सीजन में कहाँ होगा? नीचे इंडियन ओशन में, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। और लो टेम्परेचर लो कहाँ पे होगा? हमारे इंडिया में, ठीक है, और वहाँ पे इंडियन मेन लैंड पे तब प्रेशर हाई डेवलप होगा, हाई प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो ऑफशोर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स हैं वो हमारे इंटायर इंडिया में ब्लो करेंगे। ये कौन सी विंड्स हैं? देखिए, मैंने आपको कल पूरा समझाया था कि जैसे ये विंड्स आती हैं इंडिया में, ठीक है, ये कौन सी? ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स होगी, इंडिया में इंटर करी, ठीक है, इंटायर इंडिया में ब्लो करती रही, वहाँ पर रेनफॉल करती रही। लेकिन कहाँ? कब? जब नीचे हाई प्रेशर होता है और हमारे मेन लैंड में लो प्रेशर होता है, ये तब की बात है। ठीक, लेकिन जब क्या होता है, हमारे नदर्न इंडिया में मतलब इंटायर इंडिया में विंटर सीजन आता है, यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है और नीचे ओशन में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, तब क्या होता है, यही विंड्स जो मॉनसूनल विंड्स आई थी, यही विंड्स वापस रिवर्स होकर नीचे की ओर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चली जाएंगी, ठीक है, और यही विंड्स जो हैं ये ऑफशोर विंड्स कहलाते हैं, जिनको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स कहते हैं। ठीक है, विंटर में हमारे इंडिया में क्या होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड से वो ब्लो करती रहती है। ऑफशोर का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर मॉइस्चर नहीं है, ये ड्राई हैं, और ड्राई कैसे हैं, ये लैंडमास के ऊपर ही मूव कर रही हैं, तो लैंडमास में कोई ऐसी वाटर बॉडी तो है नहीं कि जहाँ से ये मॉइस्चर को पिकअप करेगी। जब ये विंड्स ओशन के ऊपर से ब्लो करती है तो वहाँ से मॉइस्चर को पिकअप कर लेती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये इनके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, लेकिन जब कॉन्टिनेंट के ऊपर मूव करती है तो ड्राई रहती है, उस वजह से हम इन्हें ऑफशोर ट्रेड विंड्स कहते हैं, मतलब मॉनसूनल विंड्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यही जो विंड है ये मतलब रेनफॉल करती हैं। ठीक है, इंटायर इंडिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोर्थ क्लास एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, हमारे इंडिया में, ठीक है, विंटर में रेनफॉल जो होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा ऑफशोर विंड से मॉइस्चर नहीं है, तो मॉइस्चर नहीं है तो इंडिया में ये विंड्स तो रेनफॉल नहीं करेंगी। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड इंडिया में विंटर में रेनफॉल नहीं करेंगी। ठीक है, क्लियर। अब यही जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड से इंडिया में सिर्फ एक जगह पे ये रेनफॉल करेंगी, वो है कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, सिर्फ तमिलनाडु के कोस्ट पे, दैट इज़ कोरोमंडल कोस्ट, वहाँ पे ये विंड्स रेनफॉल करेंगी, बाकी इंटायर इंडिया में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स जो हैं वो रेनफॉल नहीं कर पाती हैं। ठीक, अब कोरोमंडल कोस्ट पे रेनफॉल क्यों करती हैं? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, जब ये बे ऑफ बंगाल से उतरती हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से भी तो आती हैं, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से उतरती हैं, ओशन है, ओशन से मॉइस्चर को पिकअप करके, तो यूँ इस तरह से इनको नीचे आना होता है, यहाँ से मॉइस्चर को पिकअप किया, ठीक है, ये कोरोमंडल कोस्ट आ गई हमारे तमिलनाडु की, यहीं पे क्लाउड्स बनाए, यहीं पे रेनफॉल करके वापस फिर नीचे की ओर उतर जाती है। अभी मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगी, ठीक है। देन उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक मतलब विंड है, ठीक है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड ईस्ट इंडिया में विंटर में रेनफॉल करती है। ये भी मैंने आपको फैक्टर्स में समझाया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है। ये वो एयर्स हैं, ये वो विंड्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी से आती हैं, वेस्ट टू ईस्ट की ओर चलती हैं, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट की ओर चलती हैं, और इनको अपने साथ लाता कौन है? जेट स्ट्रीम लाती हैं, ठीक है, जेट स्ट्रीम अपने साथ लाती हैं और इंडिया में इंटर करवाते हैं, और इंडिया के नॉर्थ, वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया में विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो रेनफॉल करती है। तो दो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट ये बनते हैं कि हमारी इंडिया में विंटर में साउथ इंडिया में रेनफॉल कौन करता है और नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया में रेनफॉल कौन करता है। तो नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया में वेस्ट डिस्टर्बेंसेज रेनफॉल करती हैं, ये वो विंड्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी से आई होती हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से जेट स्ट्रीम इनको अपने साथ ब्लो करवाती है और इंडिया में एंटर करवा देती है, ठीक है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज का ओरिजिन कैसे हुआ हुआ है? मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरेनियन सी जो है वहाँ पे विंटर में टेम्परेट साइक्लोन जो है वो डेवलप हुए होते हैं, तो जब यहाँ से इतनी बड़ी एक लार्ज बैंड ऑफ एयर जो है वो आ रहा है, तो इस टेम्परेट साइक्लोन को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके जो इसमें जो एयर्स होंगी उनको अपने साथ कैरी करके इंडिया में एंटर करवाएंगी और वहाँ पे इंडिया में ये रेनफॉल करेंगी। क्यों? क्योंकि मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर लेके आई होती हैं ये एयर्स, ठीक है।
उसके बाद आपको ये जो है ये भी अच्छे से याद रखना है कि हमारे इंडिया के साउथ इंडिया का जो तमिलनाडु कोस्ट है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड जो है वो उतरते टाइम जब बे ऑफ बंगाल से होके आती हैं उस, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट जो हमारे तमिलनाडु की है वहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं तो उसको हिट करेगी, वहीं से राइज अपवर्ड करेगी, वहीं पे क्लाउड्स बना के वहीं पे रेनफॉल के नीचे उतर जाएगी। अभी ये हम मैप के ऊपर भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो विंड्स हैं कौन सी, ये ही हमारी, ठीक है, ये इंडिया में इंटर करती हैं अराउंड मिड दिसंबर। कौन सी? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, मतलब हमारे इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो मेडिटेरेनियन सी से एक पैच ऑफ विंड जो है वो आ रहा होता है जिसको वेट जेट स्ट्रीम लाती हैं, वो कब इंडिया में पहुंचती हैं? मिड दिसंबर में। इवन के वो पाकिस्तान में भी रेनफॉल करती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, ईरान इराक जिन जिन रीजन से होके आती है वहाँ पर रेनफॉल करती हैं, ठीक है। तो मिड दिसंबर में आके ही इंडिया में पहुँचती है और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया में क्या करती हैं? रेनफॉल करती हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है हॉट वेदर सीजन क्या है, ठीक है। हॉट वेदर सीजन में क्या आएगा, इसमें ये है कि जो अपेरेंट मूवमेंट है सन की, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाएगी नॉर्थवर्ड। गर्मियों में क्या होता है, गर्मी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे आती है, जब सन की रेज वर्टिकल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम गर्मी देखते हैं, ठीक है। तो अपेरेंट मूवमेंट जो सन की होती है जब नॉर्थ की ओर होती है तब वहाँ पर हॉट वेदर सीजन होता है, दैट इज समर सीजन, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है नॉर्दर्न इंडिया में, मीन्स नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन्स के सेंटर से ही देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन होकर जाती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सन की रेज वर्टिकल है तो वहीं पर टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। अब ये जो हॉट वेदर सीजन है ये हमारा स्टार्ट होता है मार्च में, ठीक है, मार्च से स्टार्ट होता है और एंड ऑफ द जून तक रहता है। मार्च से लेके एंड ऑफ द जून तक जो है हमारा हॉट वेदर सीजन रहता है। और साउथ इंडिया जो मैं अभी आपको बता रही थी, साउथ इंडिया में मार्च टू मई तक रहता है। कहाँ से कहाँ तक? मार्च टू मई तक हमारे साउथ इंडिया में रहता है, क्योंकि इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून विंड पहले एंटर कर जाती है, इसलिए समर सीजन वहाँ पे शॉर्ट होता है और जल्दी से मॉनसून सीजन स्टार्ट हो जाता है वहीं पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर होता है नॉर्थवर्ड इंडिया के नॉर्थ में वो अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। जैसे हमारा डेजर्ट इंडिया है, यू नो डेजर्ट इंडिया में 50 प्लस डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर समर में देखने को मिलता है, ठीक है। समर में अब हमारे यहाँ पे कुछ लोकल विंड्स चलती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, लू, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था, आप थर्ड सेम में ये चीज़ कवर करके आए कि कुछ हमारे लोकल विंड्स भी होती हैं, ठीक है, परमानेंट विंड्स के अलावा, सीजनल विंड्स के अलावा कुछ लोकल विंड्स भी होती हैं। हमारे इंडिया के लोकल विंड का नाम है लू, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई होती है और मई एंड जून के मंथ में ब्लो करती है। कब कब? मई और जून के मंथ में ब्लो करती है, ठीक है। लू जो है बहुत ज़्यादा हॉट मीन्स बहुत ज़्यादा वार्म है, ड्राई है, ठीक है, और मई टू जून तक हमारे इंडिया में ब्लो करती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये जब विंड ब्लो करते, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा हीट होती है, तो हीट होने की वजह से जैसे ही मतलब ब्लो करती है तो वहाँ पे हंड्रेड ऑफ पीपल्स की हर साल डेथ भी होती है। कभी आप गए होंगे जम्मू, आप मतलब यूपी बिहार में आप गए होंगे, ठीक है, आप हरियाणा में गए होंगे, गर्मियों में कभी आप दिल्ली गए होंगे, आप देखोगे वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वार्म और ड्राई एयर चलती है कि मतलब वो हम वहाँ पे हम मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा वो गर्म होती है और इतनी मतलब ज़्यादा ड्राई होती है वो विंड, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इन रीजन्स में, प्लेन्स ऑफ इंडिया में हंड्रेड ऑफ पीपल्स की हर साल डेथ हो जाती है इस विंड की वजह से, ठीक, क्योंकि ये विंड मॉइस्चर तो गिरा नहीं पाती है, ये होती ही ड्राई है, तो वहाँ पे गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, बारिश होती नहीं है, तो गर्मी से क्या होते हैं लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक। ये जो वेदर कंडीशंस हैं ये हॉट रहती है और ड्राई रहती है थ्रू आउट द ईयर, मतलब हम सॉरी थ्रू आउट द कंट्री नॉट ईयर, ठीक है। ये जो समर सीज़न है इस इंटायर सीज़न में यहाँ पे जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई रहती है। आप देखिए ना, समर में जब हम देखते हैं मार्च अप्रैल, ठीक है, मई जून, यहाँ तक जून तक जो है हमारे यहाँ पे बारिश नहीं होती, जैसे जून स्टार्ट होता है बारिश स्टार्ट हो जाती है। अभी रिसेंटली आप देखो, ठीक है, सुबह भी बारिश हो जाती है, कभी दिन को हो जाती है अचानक से, कभी रात को हो जाती है, ठीक है। इवन कि अभी हमारे जेंट के में मॉनसून विंड्स इंटर नहीं की हैं, वो मिड जुलाई में करेंगे, ठीक है। तो ये समर जो होता है टोटली हॉट और ड्राई रहता है, ठीक है। यहाँ पर डस्ट स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, उन डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में लिटिल बिट ड्रिजल होती है, ठीक है।
अब यहाँ पे दो और अदर लोकल विंड्स हैं, जैसे केरला में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंगो शावर एक विंड आती है, मतलब मैंगो शावर हम कहेंगे जो मॉनसून से पहले जो विंड इंडिया में इंटर करती है केरला स्टेट से, ठीक है। मैंगो शावर इसलिए कह रहे क्योंकि वहाँ पे जो मैंगो है उनकी राइपनिंग के लिए विंड्स जो हैं वो हेल्प करती हैं, ठीक है, इसलिए इसको मैंगो शावर कह रहे हैं। तो ये हमारे इंडिया में मॉनसून विंड से पहले जो है वो इंटर करती हैं केरला में, इनको मैंगो शावर कहते हैं। वेस्ट बंगाल और आसाम में वहाँ पे भी एक लोकल हॉट ड्राई विंड चलती है जिसको नॉर्वेस्टर कहते हैं, ठीक है, या फिर उसको काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बैसाखी जो मंथ होता है, ठीक है, वहाँ पे उस टाइम पे उस मंथ में इवनिंग में यहाँ पे डेली थंडरिंग होती है, मतलब थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, ऐसे थंडर स्टॉर्म्स आते हैं कि अंधेरा पड़ जाता है, इसीलिए वहाँ से नाम पड़ा कि काल बैसाखी, ठीक है। वो वेस्ट बंगाल और आसाम में आते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से नॉर्थ वेस्टर्न काल बैसाखी का क्वेश्चन उठा सकते हैं, मैंगो शावर का क्वेश्चन उठा सकते हैं, लू का भी उठा सकते हैं, लेकिन ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो मैंगो शावर केरला में होता है, ठीक, ये प्री मतलब जो हमारे एडवांसिंग मॉनसून है उससे पहले जो विंड्स आती हैं, ठीक। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न और काल बैसाखी जो है वेस्ट बंगाल और आसाम में जो लोकल विंड्स चलती हैं वहाँ पर इनको नॉर्थ वेस्टर्न और काल बैसाखी बोलते हैं, क्लियर। तो उसके बाद हम यहाँ पे आप मैप में देखेंगे, देखिए इंडिया में अगर जब विंटर सीज़न आता है तो हमारे यहाँ पे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी यहाँ पे मैं ड्रा कर देती हूँ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, उस वजह से यहाँ पे हमारे विंटर सीज़न आता है इंडिया में, ठीक है, ये हमारे विंटर सीज़न आता है, ठीक। और विंटर सीज़न में क्या होता है, यहाँ पे वो जो आई थी विंड्स, कौन सी, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में ये नीचे की ओर उतर जाती हैं, वो रिवर्स कर देती है, मतलब ऐसे नीचे की ओर उतर रही होती हैं वो विंड्स, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि विंटर सीज़न में ये जो विंड्स हैं ये जब इस बे ऑफ बंगाल से, क्योंकि हमारा साउथ ईस्ट एशिया से भी तो आ रही हैं, बे ऑफ बंगाल से जब होके आती हैं तो तमिलनाडु की इस कोस्ट पे क्या करती हैं, यहाँ पे रेनफॉल करके फिर नीचे उतरती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स विंटर में ओनली इस तमिलनाडु की कोस्ट पे रेनफॉल करके नीचे उतरती है, बाकी इंटायर इंडिया में ये विंड्स रेनफॉल नहीं करती, ठीक। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इंडिया में विंटर्स में जो रेनफॉल करती है वो इस साइड से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आती है जो मेडिटेरेनियन सी से आ रही होती हैं, ठीक है, ठीके? उनको लाता कौन है, जेट स्ट्रीम लाता है, इंडिया में एंटर करवाता है, और इंडिया के नॉर्थ में, इंडिया के वेस्ट में, इंडिया के सेंटर में, नॉर्थ यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की बारिश देखने को मिलती है विंटर में। तो क्वेश्चन आपका ये है कि विंटर में इंडिया में रेनफॉल कौन करता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आती कहाँ से हैं, मेडिटेरेनियन सी से, ठीक, लाता कौन है उनको, जेट स्ट्रीम, ठीक। कौन से साइक्लोन की वजह से इंडिया में बारिश देखने को मिलती है, टेम्परेट साइक्लोन जो कि मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होता है। ये क्वेश्चन भी कहीं किसी एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे इंडिया में जो विंटर में रेनफॉल होती है वो किस साइक्लोन की वजह से होती है, वो टेम्परेट साइक्लोन जो कि मेडिटेरेनियन सी में विंटर में डेवलप हुआ होता है उसकी वजह से होती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर होगी, समर में क्या होता है कि समर में हमारे इंटायर इंडिया में जो है वो ये सीज़न थ्रू आउट द सीज़न जो है मतलब यहाँ पे हॉट और ड्राई रहता है, कोई रेनफॉल देखने को नहीं मिलती, ये चीज़ हम भी ऑब्जर्व करते हैं। अभी रिसेंटली हम देखिए हमारे इंडिया में मॉनसूनल विंड्स जो हैं वो इंटर कर चुकी हैं, ठीक है, कहाँ से, वेस्टर्न घाट्स के थ्रू इंडिया में इंटर कर चुकी हैं, लेकिन अभी हमारे जेएंडके में नहीं पहुँची हैं, ठीक है, वो मिड जुलाई में पहुँचेंगी, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी, ठीक है। अब यहाँ पे समर में हॉट ड्राई विंड्स जो हैं वो चलती रहती है, उन हॉट ड्राई विंड्स के आपको नाम याद रखने हैं, जैसे ये आ गया लू, ठीक है, लू जो है ये यहाँ की लोकल विंड है, ये चीज़ भी आप याद रखना, ये हमारे इंडिया के सेंटर में इन रीजन्स में जो है लू चलती रहती है। आप कहीं पे भी जब भी आप समर में कहीं बाहर दिल्ली जाते हो, यूपी बिहार जाते हो, ठीक है, वेस्ट बंगाल अगर आप जाते हो, इवन कि आप जम्मू के प्लेन रीजन में जाते हो वहाँ पे भी आपको ये विंड्स जो है वो देखने को मिलती है, मतलब आप बाहर हम बाहर निकल ही नहीं सकते इस विंड में, इतनी ज़्यादा हॉट और ड्राई होती है, इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ भी हो जाती है हर साल, ठीक है।
तो ये आपको लोकेशन पता चल गई। अब यहाँ पे केरला में देखिए मैंगो शावर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मॉनसून विंड इंटर होने से पहले यहाँ पे एक थोड़ी विंड एयर इंटर कर जाती है केरला में, वो यहाँ पे बारिश करती है केरला में, ठीक है। उसको मैंगो शावर कहेंगे क्योंकि उस उन विंड्स की वजह से यहाँ पे क्या होती है, राइपनिंग ऑफ मैंगो जो होती है वो उसमें मतलब हेल्प करती है, इसलिए इसको मैंगो शावर कह रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ आप साउथ इंडिया में ब्लोजोम शावर कह सकते हो, ये यहाँ की लोकल विंड है जो यहाँ पे चलती है, ठीक। उसके बाद काल बैसाखी देखिए वेस्ट बंगाल में और आसाम, यहाँ पे दोनों में काल बैसाखी या फिर नॉर्थ वेस्टर भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये जो विंड्स है ये यहाँ पे चलती रहती हैं, ये लोकल विंड्स है। समर में आपने इन लोकल विंड्स के नाम याद रखने, विंटर में आपने दो के, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन, ओके। तो आई थिंक आपको ये दो सीज़न अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हमने डिटेल में वो जो मेन सीज़न है वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वो हम डिटेल में वहाँ पे करेंगे, ओके।